वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ओनली क्लासेस। तो आज हम देखेंगे जो आपका SOSC है, यानी कि जिन्होंने भी SOSC का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है PVA। तो यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, समझ जाना, ठीक है। और जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको आपका जो PVA में ऑडिशन होने वाला था म्यूज़िक का, उसके रिगार्डिंग एक इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि किस तरीके का आपको गाना गाना है। टाइम लिमिट तो आपको पहले ही दी हुई है कि 2 मिनट की ही होनी चाहिए, और ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, इंटरव्यू होगा या फिर नहीं होगा, तो एवरीथिंग आपको यहाँ पर आज बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड तक, अगर कुछ भी छोड़ते हो बीच में तो कुछ ना कुछ फिर आपका छूट जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा और बाद में आपको पछतावा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि क्या आपका इसमें इंटरव्यू होगा या फिर नहीं। देखो, वैसे तो आपका ये जो सेपरेट होगा सभी बच्चों का, यानी कि जैसे कि विजुअल आर्ट में हुआ था, ड्राइंग वाले में, कि सभी को एक टाइम पर मिला था एग्ज़ाम का जो भी थीम थी, एंड देन उनको करना था, तो उसमें कोई इंटरव्यू वाली चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन ये आपका जो म्यूज़िक का है, इसमें आपको सेपरेट अलग अलग जाकर आपको वहाँ पर इंटरव्यू देकर आना है, यानी कि इंटरव्यू देकर नहीं, मतलब ऑडिशन देकर आना है। तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू में आपसे ओनली आपका इंट्रोडक्शन मांग लें कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे कि होता ही है, ठीक है। तो उसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारे जो सोनी है वो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स बनाता रहता है, आपने कभी देखा भी होगा, म्यूज़िक से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, जैसे कि लिटिल स्टार चैम्प जो भी कुछ करके ऐसा नाम होता है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, उसे देखना, क्लियर हो जाएगा किस तरीके से होता है आपका म्यूज़िक से रिलेटेड आपको परफॉर्मेंस। और आपको पता है यहाँ पे आपको गाकर भी सुना सकते हो आप, और आप इंस्ट्रूमेंट बजाकर भी सुना सकते हो, ठीक है। अगर आप गाकर सुना रहे हो तो खाली गाकर ही सुनाना है, और अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाकर सुना रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट बजाकर सुनाना है, ठीक है। अलग अलग है, अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप अपने जो सॉन्ग है उसमें आप कुछ इंस्ट्रूमेंटल यूज़ करें, फॉर एग्जांपल गिटार वगैरह यूज़ करें, तो वहाँ पे कंफर्म कर लेना टीचर से कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं गिटार यूज़ कर सकता हूँ, वो भी किस लिए, अगर आपको वो आता हो तो। ऐसा ना हो कि नहीं आ रहा है और चलो मज़े में बस एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसे आपका सॉन्ग जो है वो ख़राब हो जाएगा पूरा का पूरा, जो आपने प्रिपेयर किया है वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो ना करें, ठीक है। और टीचर से वहाँ पर पूछ लें, जो भी जजेस हैं उनसे पूछ लें कि क्या हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, अगर वो परमिशन दे देते हैं तो फिर तो सही है, और अगर नहीं देते तो फिर आपको ऐसे ही अपना सॉन्ग जो है उनके सामने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू आपका पूछ सकते हैं, बस ये कहेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन देना है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, किस स्कूल से पढ़े हैं, ये सब बता सकते हो। तो वो मैंने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाई थी इंटरव्यू से रिलेटेड, अगर आपको वो देखनी है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और मेरा मानो तो उसे देखकर जाना ही जाना, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत मेन होगा कि आपको अपना इंटरव्यू किस तरीके से देना है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है कि आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने सभी बच्चों को बताया था, चाहे एग्ज़ाम में वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसकी AFPS के हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के, या फिर वो विजुअल आर्ट के लिए अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, या फिर म्यूज़िक के लिए देने जा रहे हैं, या फिर एक्टिंग के लिए देने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, तो आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाएँ, ठीक है। ऐसा कोई मतलब ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन कर जाने चाहिए, बट आप खुद सोचो, अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर डालो और खुद सोचो कि आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, तो ऑफकोर्स जो जजेस हैं वो आपसे यही चाहते हैं, उनका मन यही चाहता है कि आप बिल्कुल सिंपल सादे बनकर जाएं, ऐसा ना हो कि आप बहुत ही पार्टी वेयर ड्रेस पहन कर जा रहे हैं जिसको देखकर ही मतलब शौक हो जाएं इस तरीके से, तो कुछ ऐसा नहीं पहन के जाना, ठीक है। अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म नहीं पहन कर जाना चाहता तो फॉर्मल ड्रेस पहन लीजिए, लड़के खासकर शर्ट फॉर्मल पहननी है, पैंट फॉर्मल पहननी है, जीन्स नहीं पहननी है, ठीक है। और आपकी जो रिस्ट वॉच होती है वो आप लेकर जा सकते हैं, पहन कर जा सकते हैं, जो अपना हेयर स्टाइल है वो भी बिल्कुल अच्छे से बना कर जाना है, ना तो उसमें कुछ ऐसा, अगर आप क्लिप वगैरह लगा रही हैं लड़कियां तो वो ऐसा करना, ब्लैक कलर की लगाना, ठीक है, या फिर रेड कलर की प्लेन होती है वो लगा लेना, प्लेन वाली लगा सकते हो, उस पर कुछ ऐसा डोल वगैरह बनी हुई है वो नहीं लगानी, ठीक है, उसको कट कर दो। सेकेंड थिंग, अगर गर्ल्स की ड्रेस की बात करूँ तो वो सिंपल अगर कुर्ती पहन कर जाना चाहें तो पहन कर जा सकती हैं, वरना वो सिंपल एक बिल्कुल सिंपल एक टॉप पहन कर जाना। टॉप का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट टॉप पहन कर जाओगे, कम से कम वो आपका थोड़ा सा तो लॉन्ग होना ही चाहिए, जस्ट थोड़ा सा, बिल्कुल शॉर्ट ना हो, क्रॉप टॉप ना हो,
मेन बात ये है। सेकंड थिंग, आपको शॉर्ट्स नहीं पहन कर जाने हैं, ठीक है, और अपना जो लुक है उसको बिल्कुल फॉर्मल ही रखो मेरी मानो तो, ठीक है। फोल्डिंग वाली चोटी करके चले जाना, जो फोल्डेड चोटी होती है वो वाली, या फिर पोनीटेल कर लेना अगर किसी के छोटे बाल हैं तो, और पोनीटेल लायक बाल भी नहीं है तो फिर आप खोल कर ही जाएंगे, उसके बाद तो कोई चारा ही नहीं बचता है। तो ये आपका ड्रेस कोड था, ठीक है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि यूनिफॉर्म पहन कर जाओ, वो सभी के पास अवेलेबल होती है। नेक्स्ट चीज़ आपकी बहुत 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 मेन चीज़ है, क्या है, आपकी जो ये परफॉर्मेंस होगी, किसकी म्यूज़िक की जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, यानी कि इसमें आप अपना जो सॉन्ग गाएंगे वो क्या होना चाहिए, वो 2 मिनट्स का होना चाहिए, जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया था, SOSC ने ही बताया था कि 2 मिनट्स तक का मैक्सिमम आपका होना ही चाहिए, ठीक है, यानी कि आप 1.5 मिनट का भी कर सकते हैं, बट 2 मिनट का मैक्सिमम हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि 1 मिनट से भी शॉर्ट है, ऐसा भी ना हो। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख लो, अपने ध्यान में इसको ना बिठा लो बहुत अच्छे से, क्या चीज़ बिठानी है अभी बताती हूँ आपको। ना एक चीज़ ये बिठा लेनी है कि जो भी आप अपनी परफॉर्मेंस दोगे ना, उसके लिए ऑफकोर्स आप प्रिपेयर तो करके जा ही रहोगे, है ना, तो प्रिपेयर करके जाओगे तो क्या करना है आपको, प्रिपेयर जैसे कर रहे हो उसमें आपको क्या करना है, आपको 2 सॉन्ग तो कम से कम प्रिपेयर करने ही हैं, 2 सॉन्ग्स आपको प्रिपेयर करने हैं, खाली 1 सॉन्ग प्रिपेयर करके मत जाना। हो सकता है कि वहाँ पर जजेस को आपका गाना बहुत ही अच्छा लग जाए और वो कहें कि आप क्या एक और गाना सुना सकते हैं हमें, तो फिर आपको वो सुनाना पड़ेगा, ठीक है, और जहाँ पर वो कहें कि रुक जाइए वहाँ पर रुक जाना है, ऐसा नहीं है कि वहीं से गाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो कहें कि अपना फर्स्ट अंतराल से गाकर सुनाओ, यानी कि जो फर्स्ट हमारा जो स्टेंजा होता है उससे गाकर सुनाओ, तो फिर आपको वो गाकर सुनाना है, फिर आपको जो ट्यूनिंग होती है वो नहीं गानी है, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए, बात ये उठ कर आती है कि हम अब जब स्टूडेंट्स हैं तो हम किस तरीके का गाना उनको सुनाएं, यानी कि सबके मन में ये रहता है कि कैसा गाना सुनाना चाहिए, कभी थोड़ा मतलब उसके उससे हमारा जो सॉन्ग है किस तरीके का है, उससे क्या होगा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पूरे के पूरे परफॉर्मेंस पर। तो ये भी हो सकता है कि हमारा जो सॉन्ग है अगर वो कुछ बेकार टाइप है या फिर आपकी एज के लायक नहीं है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं करना है। अब बताती हूँ किस तरीके का आप सॉन्ग गा सकते हो। देखो वैसे तो आप रोमांटिक सॉन्ग भी गा सकते हो, सैड सॉन्ग भी गा सकते हो, और आप जो ऐसे देशभक्ति वाले सॉन्ग्स होते हैं जैसे कि ए वतन वतन इस तरीके से कुछ होता है, माही वे, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो कि आप देशभक्ति के ऊपर भी गा सकते हो, तो वो भी गा सकते हो, रोमांटिक सॉन्ग्स भी गा सकते हो, ठीक है, सैड सॉन्ग्स भी गा सकते हो, क्योंकि म्यूज़िक का ऐसे कोई लेना देना नहीं होता है। बट स्टिल मैंने एक जो सोनी पे एक आता है ना सीरियल सिंगिंग से रिलेटेड कुछ आता है, मेरे को नाम पता नहीं है, सारेगामा पा लिटिल चैंप्स तरीके से कुछ करके आता है, ठीक है, तो सिंगिंग का एक शो होता है बेसिकली, मैंने वो देखा था यूट्यूब पर, उसकी वीडियो देखी थी, वो भी बच्चों का जो था वो वाला मैंने देखा था, ठीक है, बच्चों के लिए मैंने देखा था, तो उस टाइम पे बहुत पुराना था वो, उसको श्रेया घोषाल जो थी उन्होंने जज किया था, ठीक है, सिंगर ने, तो उसमें क्या था आपको बताती हूँ, जो एक लड़की आई हुई थी, कम से कम उसकी एज ऐसी होगी 5 या फिर 10 साल की होगी उसकी एज, ठीक है, 5 से 10 के बीच में थी, ठीक है, 5 से 10 के बीच में थी उसकी एज, तो उस लड़की ने एक बार टाइप गाना जो था वो गा दिया, यानी कि जो क्लब में बजता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिलबर हो गया, कुसु कुसु हो गया, इस तरीके के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो साकी साकी हो गया, इस तरीके के, ठीक है, और काफ़ी सारे होते हैं ऐसे, तो वो डिसाइड करना होता है, तो उसने वो वाला सॉन्ग सुनाया वहाँ पर, तो श्रेया घोषाल या फिर बाकी जो भी जजेस थे, यानी कि विशाल सर भी थे आई थिंक, हाँ वो भी थे, और बाकी मेरे को जजेस का नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो सारे थे, 3-4 थे, उन्होंने उस पर ऑप्शन उठाया, कैसे उठाया, उन्होंने कहा कि आपको जो आपने गाना गाया है वो आपको किसने सुना मतलब सिखाया, एक तरीके से उन्होंने पूछा उस बच्ची से, तो उसने बहुत प्यारा से रिप्लाई दिया कि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है और उनको भी गाना बहुत पसंद है, तो फिर उन्होंने उस बच्ची को वापस भेज दिया कि आप चले जा सकते हैं एंड अपनी मम्मी को बुला कर लाओ, और उनकी मम्मी से अकेले में बात की और कहा कि आप इस तरीके का जो गाना है वो एक बच्चे को क्यों सिखा रही हैं, यानी कि जो भी अखबार जो टाइप सॉन्ग्स होते हैं उसमें कैसे कैसे वर्ड्स जो है उनका यूज़ होता है, आप सभी को पता है काफ़ी सारे बहुत अजीब एब्यूज वर्ड्स भी हो जाते हैं कभी कभार, ऐसा होता है मेनली, ठीक है, तो इस तरीके का अगर आप सॉन्ग प्रिपेयर करके जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा बहुत ही बिंदास होगा,
तो ऐसा ना करें, इससे थोड़ा सा बैड जो आपका इफेक्ट है वो पड़ेगा, ठीक है, एक तरीके से आपके जो परफॉर्मेंस है उस पर। तो फिर उसके बाद उस लड़की को ऑफकोर्स सिलेक्ट तो किया नहीं गया, बदले में उसकी मम्मा को ये समझाया गया कि आपको अपनी बच्ची को ऐसा सॉन्ग जो है वो नहीं सिखाना चाहिए और एक तरीके से ऐसी शिक्षा भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी आप सभी की छोटी उम्र है। वैसे देखो इस टाइम पर इतना मॉडर्न ज़माना हो रहा है तो सभी बच्चों के पास मोबाइल होते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के होते हैं, तो वो उससे इन गानों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, टेलीविज़न पर सुन लेते हैं। बहुत मॉडर्न ज़माना हो गया आजकल का। तो क्या होता है उस टाइम पे आप सुन रहे हैं, आपको वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट स्टिल अभी आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की मर्यादा में रहकर ही आपको एक गाना सुनाना है। ऐसा ना करें कि वहाँ पर ये बार जो गान्स डांस होते हैं उस टाइप के जो सॉन्ग्स होते हैं जो क्लब में बजते हैं उनको जाकर प्रिपेयर करके वहाँ पे सुना रहे हो। ऐसा जो गलती है ना वो बिल्कुल मत करना। अगर किसी ने ऐसा प्रिपेयर भी किया है तो अभी उसको चेंज कर लो और कुछ न्यू जो है, यानी कि कुछ अच्छा, जैसे कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं जो हमारे माता पिता से रिलेटेड होते हैं, सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है, इस तरीके के सॉन्ग्स प्रिपेयर करो। रोमांटिक भी कर सकते हो, सैड भी कर सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, बट जो जिस टाइप का मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा मैं प्रेफर करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि उनको आप प्रिपेयर करके ना जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हमारी जो बात है वो जजेस को बुरी लग जाए, ठीक है। तो अपना जो भी अपनी तरफ से हर चीज़ की तसल्ली करके चलनी चाहिए कि हाँ हमारी ये सारी चीज़ें ठीक हैं। तो अब बात समझ में आ गई कि दो सॉन्ग्स तो कम से कम प्रिपेयर कर ही सकते हैं आप, कर लेना कम से कम 2 मिनट के, नहीं तो डेढ़ डेढ़ मिनट के आप अपने प्रिपेयर करके चलो। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं। और एक क्वेश्चन ये था एक बच्चे का कि मैम क्या हमें इंस्ट्रूमेंट जो सॉन्ग है वो भी सुनाना है और हमें जो गाना गाना है वो भी सुनाना है। तो दोनों अगर आप चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया पूछ के कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते अलग अलग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सेकंड थिंग ये थी कि एक बच्ची ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, उसने कहा था कि मैम जो हमारी रिकॉर्डिंग की जो परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जो भी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस है जस्ट लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर वैसे खाली रिकॉर्डिंग है, तो उसके लिए उन्होंने कहा था SOSE ने कि आप लेकर आ सकते हैं, वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, बट कंडीशन ये थी कि आपको वो मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में या फिर टैबलेट में होनी चाहिए वो वीडियो या फिर रिकॉर्डिंग, तो वो लेकर जा सकते हैं। बट फिर उसने पूछा कि क्या मैम अगर हम रिकॉर्डिंग सुना रहे तो हमें वहाँ पर गाने की कोई ज़रूरत नहीं है? तो ऐसी गलती मत करना कि गाकर ना सुनाओ। आप अगर रिकॉर्डिंग लेकर जा रहे हैं तो वो देखेंगे ही, प्लस में आपका जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ पर उनके सामने बिल्कुल होगी, मतलब आपको गाना गाकर वहाँ पे सुनाना है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से। अब अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर न्यू है तो साइड में जो बेल आइकन उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली है, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स देनी बाकी है अभी SOSE की। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।